लेटरल एंट्री के मामले पर विपक्ष के हंगामे में और केंद्र सरकार के द्वारा इसे रद्द करने के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि विपक्ष का काम ही है हंगामा खड़ा करना, लेकिन केंद्र सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। वहीं एससी एसटी आरक्षण के मामले पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने आपत्ति जता दी है। सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है और सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। स्वागत करेंगे आप लोग जिस तरीके से फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला स्वागत है। इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, सुझाव दिया था और उस सुझाव को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। तो अब राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनका इच्छा है। यूपीएससी इलेक्टोरल एंट्री मामले में सियासी बयानबाजी जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी का पाप था। सम्राट चौधरी ने इलेक्टोरल एंट्री पर रोक लगाने के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष के भारत बंद पर भी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का पाप था, कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो एससी और एसटी वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता और यार।